कि पानी जब भी पीना हो आपको तो हमेशा बैठ के ही पीजिए। खड़े खड़े पानी पीने को पूरी तरह से निषेध किया उन्होंने, हमेशा बैठ के पानी पीजिए। और बैठने के दो तरीके सबसे अच्छे हैं, उकड़ू बैठना, गाय का दूध निकालने वाले आसन में बैठना, नहीं तो ऐसे बैठना जैसे मैं बैठा हूं। कुर्सी पर बैठ के भी पानी पीने को मना किया, वो अर्ध बैठने की स्थिति होती है, आप पूरे नहीं बैठते हैं। हां, लेकिन कुर्सी पर बैठ के पानी पीना है तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे आलती पालती मार के कुर्सी पर बैठ जाइए फिर पीजिए। आगे का एक वो वेग को रोकने के लिए, वो कहते हैं बहुत ही खतरनाक वेग है, जिसको आपने रोका तो बहुत तकलीफ आएगी। अब उसमें आप बहुत सारे तर्क और सवाल कर सकते हैं। भूख, भूख, ये भूख एक ऐसा वेग है जिसको अगर आपने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो इसमें सबसे ज्यादा रोग उन्होंने गिनाए हैं, 103 रोग हैं। अगर भूख को जबरदस्ती रोकने की कोशिश आपने की, और वो कहते हैं पहला रोग शुरू होगा एसिडिटी से और आखिरी जाएगा अंतड़ियों का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर। इसलिए कहते हैं भूख को जबरदस्ती मत रोकिए। अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, जी हम तो उपवास करते हैं तो उन्होंने कहा है एक सूत्र में कि उपवास शरीर के शुद्धि की क्रिया है, और वो आगे कहते हैं कि शरीर शुद्धि होती है तो मन और चित्त दोनों की भी शुद्धि होती है उसके साथ। तो उपवास एक क्रिया है जो शरीर शुद्धि, मन और चित्त तीनों की शुद्धि के लिए है, लेकिन उसके लिए नियम है। वो ये कहते हैं कि जब आपके शरीर में आपको ऐसा लगने लगे कि अतिरिक्त कुछ हो रहा है, अतिरिक्त, अतिरिक्त से मतलब मैं समझाता हूं, आप खाना खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी जरूरत है उतना खा रहे हैं, और कभी ऐसा लगने लगे कि जरूरत से ज्यादा खा लिया है, हमको तुरंत महसूस हो जाएगा, ये शरीर तुरंत बता देगा कि आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। तो कहते हैं कि जब स्थिति ऐसी हो, वो किसी भी कारण से हो, आपको किसी चीज का स्वाद बहुत पसंद आ गया, या किसी ने बहुत आग्रह पूर्वक आपको खिला दिया, या आप कुछ इस स्थिति में थे, मूड आपका ऐसा था, ध्यान ही नहीं रहा, बातें करते करते या खाना खा रहे हैं ज्यादा चला गया, ऐसी किसी भी स्थिति में जब अतिरिक्त है तब आप उपवास के बारे में जरूर तय करिए, माने आप उपवास करिए।